35 साल अमेरिका में रहने के बाद भी जब कभी मैं हिंदुस्तान आता हूं तो ना जाने क्यों मेरा रोम रोम खिल उठता है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ की गोद में आ गया हूं। आज मेरे भारत के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज बहुत है, वो है प्यार। यहां की हवाएं, यहां की इमारतें बोलती हैं प्यार। इस तरह की एक इमारत ये भी है, ताज महल। मेरे अमेरिकन दोस्तों, अमेरिका में प्यार का मतलब है लेन देन, लेकिन हिंदुस्तान में प्यार का मतलब है सिर्फ देना देना देना। Unbelievable. In America, love has its own limitations, its demands. There, love is a gesture of give and take. But in India, it is not give and take. In India, it is give, give and give. Unbelievable. Yes, India has always been unbelievable. Kishorilal. And there, one more unbelievable is coming. अमेरिकन भाभी और बच्चे कैसे हैं? भाभी तुझसे बहुत नाराज है मालूम? अरे यार, इस बार मैं भाभी की सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। अमेरिका जाके तो तू स्टार हो गया यार। 10 साल हो गए तुझे मेरे फार्म हाउस पर आए हुए। बच्चे और सब तुझसे मिलने के लिए तरस गए हैं। अरे इसीलिए तो इन लोगों को यहीं से भेज रहा हूँ। यहां से मैं सीधा तेरे साथ देहरादून चलूंगा और वहां 3-4 दिन बच्चों के साथ रहूंगा। खिड़की चढ़ा ले किशोरीलाल, धूल अंदर आ रही है। इसी धूल में खेल खेल कर तो हम बचपन से जवान हुए हैं, फिर इस धूल को अंदर आने से कैसे मना कर सकते हैं। अरे यार, हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू की बात ही कुछ और है। 35 साल अमेरिका में रहा, लेकिन तू जरा नहीं बदला। तू शायद पहला हिंदुस्तानी होगा जिसने अमेरिका में रहकर इतनी इज्जत और इतना पैसा कमाया है। आज पूरे 10 साल बाद तू मेरे घर आया है। देहरादून का वो पुराना मकान छोड़कर यहाँ खेतों के बीच में ही अपना फार्म हाउस बना लिया है। नरेंद्र शहर में रहता है, मैं, नर्मदा और माँ यहाँ रहते हैं। आजकल स्कूलों की छुट्टी है तो खूब रौनक लगी हुई है। कुलवंती और बच्चे सब आए हुए हैं और तेरा तो यहाँ ऐसे इंतजार हो रहा है जैसे बंबई से कोई फिल्म स्टार आ रहा हो। पापा, पापा। देखा, हमें यहीं पकड़ लिया। ये गंगा है मेरी बेटी। पापा। गंगा? अरे वही छोटी कुसुम। देखो तो बेटी कौन आया है। नहीं नहीं, आप मत बताओ पापा, हमें बताने दो। आप अमेरिकन चाचा हैं, पापा के स्कूल के दोस्त। आप 25 साल पहले नहीं 35 साल पहले अमेरिका गए थे सिर्फ $10 पॉकेट में लेकर, और अब वहाँ के सबसे करोड़पति आदमी हैं। आपका इतना बड़ा परिवार है, 18 बेटे, 11 बेटियाँ, 9 बहुएं, 3 बहन, 3 भाई, आपकी 20 गाड़ियाँ, 2 हेलीकॉप्टर भी हैं। और वो शहर कौन सा है पापा? हॉलीवुड में रहते हैं आप, जो सारे अमेरिकन एक्टर्स रहते हैं। बस करो बस करो, पाव नहीं छो गए अंकल के। सॉरी गलती। जीती रहो बेटी। ये पोर्टल मैं माँ को बता के आती हूँ। माँ को क्या बताओगी, वहाँ तो ड्रामा ही अलग है। क्या हुआ पोटला? चलिए तो सही सर, वहाँ तो वेलकम ही वेलकम है। बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ। क्या हुआ मुए? साहब आपने अमेरिका वाले दोस्त के साथ घर पहुँचे हैं। क्या कह रहे हो, अभी से आ गए? क्या आ गए आज ही? अरे सोनाली दक्षा, हमारा दुपट्टा दुला और हट ना, अरे यही जगह मिली तुझे बैठने को। आओ किशोरी लाला। अरे वाह, क्या फार्म हाउस बनाया है। सोनाली दक्षा, हमारा दुपट्टा, अरे जल्दी लाओ, कहाँ हो? अरे अमेरिकन आ गए। दीदी किशोरी लाल जी भाई साहब, कैसी हो बेना? पेशेंट क्या है पता नहीं। ओ, 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 नमस्ते 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 भाभी। आप भी कमाल करते हैं,
आपने बताया नहीं पहले कि आप... तो क्या हुआ भाभी, अपना ही तो घर है। हाँ मगर फिर भी अच्छा हुआ किशोरी लाल के तुम आ गए। भाई लगे माजी। अरे नर्मदा तो सोचे बैठी है कि भाई तुम कल आओगे। चलो आ गए सो आ गए। सुना है तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अरे माँ जी आपके लिए तो मैं वही छोटा सा किशोरी लाल हूँ। हाँ। और आज भी मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ। दीजिए। पर आशीर्वाद कैसे दूं बेटा? क्यों माँ जी? हाथ में जो गोबर लगा हुआ है। चलो दे दे। अरे अंकल जी, अंकल जी। ये है नितिन सनाली, दक्षा डब्बू, सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला। जीते रहो मेरे बच्चों। डैड इज बैड। उस अमेरिकन एनआरआई की इस तरह खातिर हो रही है जैसे कोई गॉड ऊपर से आ गया। फॉरेन कंट्री का कॉम्प्लेक्स है उस ब्लडी सूरज देव को, 10 साल से जानता हूं। आप ही तो एनआरआई हैं, आपकी वो लोग इतनी खातिर क्यों नहीं करते? करेंगे करेंगे भागश्री, ब्लडी करेंगे, देखना एक दिन तुम। कब डैड कब? जब ब्लडी सूरज देव तेरे लिए गंगा का हाथ मांगने आएगा तब। कब मांगने आएगा मेरा हाथ? बरसों बीत गए डैड, बरसों। तो बात पक्की कीजिए ना हमारे मन्नू की। पक्की? बिना दहेज का फैसला किए? ब्लडी बड़ी मूर्ख बीवी हो तुम तो। अरे इस उल्लू के पट्टे को पढ़ाया लिखाया पहलवान बनाया किस लिए? तो जाइए ना, जाके मिलिए तो सही। भाई साहब 11-11 तरह के पकवान बने उस अमेरिकन के लिए वहां। रियली? वाह क्या बढ़िया खाना था। मैं तो दिल्ली और बंबई से ही वापस चला जाया करता था, लेकिन हिंदुस्तान के गांव की सब्जियों और फलों की बात ही कुछ और है भाभी। क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं, सूरज देव के खेतों की सब्जियां जो है। किशोरीलाल ये है अमीर चंद, वो अम्मा की ननद की बहन के बेटे। अरे कह दो दूर के कजन है ब्लडी। श्रीमान मैं हूँ अमीर चंद, ये मेरा भाई गरीब चंद और ये मेरी बीवी भागीसी। एसी बीसी और जीसी। एनआरआई हैं ये भी। आप कौन सी कंट्री से हैं? नहीं नहीं अभी तो यहीं रहते हैं, पहले रहते थे श्रीलंका में। श्रीलंका के हैं तो क्या हुआ, श्रीलंका से आया इंडियन भी तो एनआरआई ही हुआ ना। अजी हम तो छोटे लोग हैं ब्लडी, हैं आपके लिए तो 12-12 पकवान बनते हैं, हमें तो यहाँ बुलाया भी नहीं जाता। हा? अमीर चंद इधर आओ, तुम्हारी शिकायतों की किताब यहाँ खोलो मेरे पास। अरे पाए लागी बुआ। हाँ कैसे हो अंकल जी, ये लीजिए आपकी शाम की दवा। मेरी दवा? आपको रोज शाम को 7 बजे ये दवा खानी है और फिर सुबह 9 बजे भी। 9 बजे 7 बजे तुम्हें किसने बताया? बताओ ना तुम्हें किसने बताया? कुछ नहीं अंकल, मैं आपका ओवरकोट प्रेस कर रही थी, उसमें से एक पर्ची निकली, उस पर्ची में लिखा था आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, नीचे अर्जुन लिखा था। अर्जुन? ओह तो ये अर्जुन की करामात है। ये अर्जुन कौन है भाई साहब? ये मेरा 18वां बेटा है भाभी, मेरी दूर की बहन का बेटा, बहुत ख्याल रखता है मेरा हर चीज में, मैं उसे लिटिल मास्टर कहता हूँ। और उसने क्या खूबसूरत गाना लिखा है, आई लव इंडिया। अंकल पहले दवा खा लो फिर आई लव इंडिया बोलना। बुआ ये अपनी गंगा इसकी इतनी चमचागिरी क्यों कर रही है? हाँ अमीर चंद जब देखो तुझसे तो जलने की बात आती है, ये ले पानी पी ले। ये अंकल हमें अमेरिका ले जा सकते हैं? कैसे? अगर हम उन्हें इम्प्रेस करें तो। पर कैसे? अबे गधे, गधे? अपनी म्यूजिक से, अंग्रेजी म्यूजिक से। अरे हाँ उल्लू हो तुम, वो बिल्कुल हिंदुस्तानी अमेरिकन है, इम्प्रेस करने जाओगे ना उल्टी पड़ेगी। लगी शर्त? लगी। एक मिनट डब्बू। हाँ? याद है अपने सिम सिम पोला के अंग्रेजी नोट्स? हाँ? तो सिम सिम पोला के अंग्रेजी नोट्स ऑन चैनल पोटला। Hurry Rama, hurry Rama, Rama Rama, hurry. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare.
दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं सूरज, मुझे अपने बेटे राजीव के लिए तुम्हारी बेटी गंगा का हाथ चाहिए। देखो यार, 3 साल हुए राजीव की मां का देहांत हुए। तुम तो जानते हो कि राजीव मेरा इकलौता बेटा है। अमेरिका में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसने हिंदुस्तान तो नहीं देखा लेकिन अपने हिंदुस्तानी माँ बाप के दिलों को, उनके विचारों को बखूबी देखा है और उनकी बहुत इज्जत करता है। मैं तुमसे गंगा का हाथ इसलिए मांग रहा हूँ सूरज कि आज हम परदेसियों को गंगा जैसी बेटियों की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने बेटों को अंग्रेज़ी किताबों और पश्चिमी सभ्यता में इतना धकेल चुके हैं कि आज कहीं ना कहीं इतनी सक्सेस होने के बावजूद भी हमें फेलियर होने का एहसास हो रहा है। और इन सब चीजों को देखते हुए आज गंगा जैसी बेटियां ही हमारे लिए एकमात्र उम्मीद हैं, होप हैं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं गंगा को अपनी बहू बनाकर इस घर से उस घर में ले जाऊंगा, लेकिन तुमसे मांग कर, हाथ जोड़कर। अरे ये क्या कर रहा है? गंगा इतने बड़े प्रेम सागर में जाएगी, इससे अच्छा और क्या होगा? बस जरा सा डर है यार, हम छोटे गांव के लोग। बस ऐसी छोटी छोटी और कटी कटी बातें मत कर यार, मुझे तो तू अच्छी तरह जानता ही है ना। बाकी बाद में अमेरिका जाके तुझे फोन करूंगा। बिल्कुल नहीं। अरे जिस लड़की को हम दिल्ली बंबई तक नहीं भेजते उसे मैं विलायत भेज दूं, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ समझने की कोशिश करो नर्मदा, दूरियां संस्कारों की होती हैं, देशों की नहीं। और आज अमेरिका है ही कितनी दूर। क्या जमाना आ गया है, अपनी बेटी को अमेरिका भेजेगा? विलायती बनाना है क्या गंगा को? अरे ऐसा भी क्या माँ, आजकल तो पूरा हिंदुस्तान ही विलायत बन रहा है। और फिर अपनी गंगा ने भी तो इंग्लिश में बीए की है कि नहीं? हाँ। और अपने बच्चों को देखो ना, वो डब्बू पोटला, अरे 24 घंटे वो एमटीवी वीटीवी में चौकटा घुसा के रखते हैं जिसमें माइकल जैक्सन वैक्सन आता है बुरे सपनों की तरह। राम 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 राम। जिद ना करो नर्मदा, मैं किशोरी लाल को जबान दे चुका हूँ। जबान तो हम पिछले साल अमीर चंद जी को भी दे चुके थे, उनके बेटे मनु चंद के लिए। नहीं नहीं, अमीर चंद से कोई वादा नहीं किया था, उसको सिर्फ कहा था कि गंगा कॉलेज पूरा कर ले तब हम सोचेंगे। और वो मनु चंद, वो शराब भी पीता है, पता है किसी को? तो बात कर लो ना उससे, वो लोग तो भरोसा किए बैठे हुए गंगा के लिए। भरोसा किए बैठे हैं तो बैठे रहे, लेकिन मेरी गंगा किशोरी लाल के यहाँ ही जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला आपने अकेले कैसे कर लिया? अरे फैसला करने से पहले थोड़ा सोच तो ले। अरे घर में सबको पूछ पाछ के सलाह मशवरा करना चाहिए। गंगा किशोरी लाल के यहाँ ही जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझे? अमेरिकन अंकल तो चले गए लेकिन पापा के पास अपने खानदान की और राजीव भैया की फोटो छोड़ गए। राजीव की तस्वीर? दिखाओ, दिखाओ, हमें दिखाओ। नहीं,
सॉरी दीदी, सॉरी, वेरी सॉरी। बड़े पापा को खुद नहीं पता कि इन फोटोज में से राजीव की फोटोग्राफ कौन सी है। क्या? हाँ, क्योंकि वो पूछना भूल गए और अंकल बताना भूल गए। ओह नो। ओ यस। कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। वो तो है। हमें दिखाओ, हम बताते हैं कौन है। शांत, मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले राजीव भैया का परिवार, ये अमेरिकन अंकल और उनके दो भाई, ये भाभी, कड़क है, ये है पद्मा बहन, फैशनेबल है, और ये है कृष्णा माँ, साफ सुथरी माँ। अब बारी आती है कंफ्यूजन की। इसमें दो हीरो हैं और आपको बताना है कि गंगा दीदी का हीरो कौन है। अरे मुझे तो दिखाना जल्दी। अरे बताता हूँ ना। अब पहले हीरो की बारी। ये आ, आ। दूसरे हीरो की। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से गंगा दीदी का हीरो कौन है। बताना पड़ेगा, बताओ। सोचते रहिए आज तक। ये मैं बताऊं, गंगा दीदी का हीरो ये है, और मैं कहता हूँ कि गंगा दीदी का हीरो ये है। गंगा दीदी, आप ही बताइए ना इन दोनों में से राजीव कौन है। मैं बताऊं? बताओ ना दीदी, बताओ, बताओ ना प्लीज। बताओ बताओ। सुखी रहे। आपने मुझे बुलाया कृष्णा दीदी? हाँ बुलाया। क्या ये सच है कि राजीव के लिए तूने सूरज देव की बेटी का हाथ? हाँ दीदी, मैं तो सूरज देव को वादा भी देकर आ गया हूँ। ठीक किया तूने। पर किशोरी लाल, क्या तू ये भी जानता है कि हिंदुस्तान की निर्मल गंगा को अमेरिका के पथरीले शहर में लाने की कोशिश कर रहा है तू? जानता हूँ दीदी, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल, हमारी भारतीय सभ्यता, इसकी रक्षा कौन करेगा दीदी? गंगा, इट इज बुकिश। राजीव को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। राजीव मेरी बात कभी नहीं टालेगा। इम्पॉसिबल। किशोरीलाल भाई साहब, हमारे बच्चे हिंदुस्तान जाना पसंद नहीं करते हैं, वहां की लड़की क्या पसंद करेंगे? हमारे बच्चे वेस्टर्न हैं, उनकी शादी इंडियन लड़की से असंभव। असंभव को संभव बनाऊंगा मैं और मेरा अर्जुन, माय लिटिल मास्टर। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। अर्जुन सागर अमेरिका, कनाडा और यूके के उन तेजी से उभरते गायक सितारों में से है जिनका आई लव माई इंडिया सॉन्ग एशियन म्यूजिक चार्ट के नंबर वन पर है। लीजिए मिलिए अर्जुन सागर से। अर्जुन, आप हिंदुस्तान से अमेरिका कैसे आए? एयर इंडिया से। एक्चुअली मैं यूपी के एक शहर मथुरा में पैदा हुआ था। जी वही श्री कृष्ण जी वाला गाँव। जी हाँ, श्री कृष्ण जी वाला गाँव। लेकिन मैं कृष्ण जी नहीं हूँ, अर्जुन हूँ, और वो भी कलयुग का। एक्चुअली मैं 10 साल का था जब मेरे माँ बाप चल बसे। मेरे पिताजी एक संगीतकार थे और माँ जी एक स्कूल टीचर। बस यूं ही अनाथों की ज़िंदगी गुजारा था कि किशोरी लाल जी, जो मेरे माँ के मुंह बोले भाई हैं, वो मुझे अमेरिका ले आए। फिर मैं अमेरिका आया और 3 साल तक एक
गैरेज में मजदूरी की, उसके बाद 4 साल तक टैक्सी चलाई, फिर किशोरी लाल जी ने अपने ही एक गैरेज में मुझे मैनेजर बना दिया। अब तो किशोरी लाल जी ही मेरे लिए मेरे पिता हैं, देवता हैं, भगवान हैं, सब कुछ हैं। और जब उनको पता चला कि मुझे गाने और डांस का बहुत शौक है, तो उन्होंने हमारे लिए एक वर्क स्टूडियो भी बना दिया, जहाँ पर हम काम भी करते हैं और अपनी रिहर्सल्स भी। कोई नहीं। आपके भाई बहन? कोई नहीं। कोई रिश्तेदार? कोई नहीं। आपकी महबूबा? सिर्फ गानों में। आपने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? कभी नहीं। ऐसा क्यों? कोई मिली नहीं। आपको किस किस्म की लड़की चाहिए? आप भारतीय, हिंदुस्तानी? एक्चुअली मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ख्यालों में है, तस्वीरों में है, सामने कभी नहीं आई। आपको हिंदुस्तान गए कितने साल हुए? 5 साल। Do you miss India? Oh yes, very much. आपके future plans? Future plan तो बस यही है कि मथुरा में जो पिताजी का पुराना मकान है, उसको तोड़वा कर वहाँ पर एक म्यूजिक स्कूल बनवाऊं, जहाँ पर गरीब बच्चे आकर म्यूजिक। अर्जुन, राजीव का फोन। Excuse me. Hello. हाँ राजीव। अर्जुन कहाँ हो तुम? डैडी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम फौरन घर चले जाओ। ओके? अभी बुलाया है? प्रॉब्लम मैन, प्रॉब्लम। इंडिया से कोई लड़की देख कर आए हैं, वो भी मेरे लिए, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। अकेले? अकेले बुलाया है? हाँ। सो जस्ट लीव एवरीथिंग एंड बी देयर, ऑलराइट? अच्छा, तू फिक्र मत कर, मैं मिलता हूँ। हरी अप मैन, वरना डैड मुझे इंडिया पार्सल कर देंगे। ओके। अर्जुन जी, बस एक आखिरी सवाल। नहीं, मुझे अभी जाना है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बस एक मिनट। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि किशोरी लाल जी से ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, मैं भी नहीं। अर्जुन, राजीव ना तो कभी हिंदुस्तान गया है और ना ही कभी जाना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो वहां जाए, वहां की सरजमीन की खुशबू को सूंघे, वहां की वैल्यूज को समझे और वहां की गंगा को पसंद करे। उससे शादी करने के लिए दिल से हां कह दे। बस यूं समझ लो बेटा कि यह मेरी जिंदगी की सबसे अहम और हसीन ख्वाहिश है, जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो, क्योंकि राजीव तुम्हारा दोस्त भी है। और आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरा आपसे वायदा है कि राजीव गंगा से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अर्जुन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैडी। मिस्टर जोसेफ, मोनिका को 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए। आई अंडरस्टैंड, इसे मेरा हुक्म ही समझिए। ओके? और या इट विल बी ऑन सैलरी। ओके? या हैप्पी? थैंक यू सर। ये फूल किसने दिए? आपके दोस्त, वो मैंने भेजे हैं सर। आइए आइए आइए। कैसे हैं फूल भाई? फूल तो बहुत ही खूबसूरत हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि आपने इन्हें किस नजरिए से भेजा है। डैडी के चक्कर में आ गए ना आप? मुझे मालूम है, मुझे तुम्हारे साथ इंडिया जाना है, इंडिया देखना है, लड़की पसंद करनी है। और तुम्हें तो सब मालूम है यार, लेकिन डैडी ने एक बात बहुत अच्छी कही। क्या? कि लड़की पसंद करने का हक मुझको दे दिया। मतलब? मतलब ये कि मैं लड़की पसंद करूं या ना करूं, मेरी मर्जी, एंड दैट्स द ट्रिक। तुम एक बार इंडिया चलो तो सही राजीव, तुमको इंडिया बहुत पसंद आएगा। Hey, Paul's here. Hey guys, I'm here. I'm also coming to India, right? Of course. मुझको मालूम था कि तुम हमारे साथ जरूर आओगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी दिल्ली के 3 टिकट बुक किए हैं एयर इंडिया से। एयर इंडिया से क्यों भाई?
They say to feel the air of India, fly Air India. I love India. Yo man. मिल गई मिल गई, हमें खबर मिल गई। कौन सी? कौन है हमारे जीजा जी? कौन? आप चर जीत गई, पोटला चर थार गया। जी हाँ, मैं चर थार गया। ये है आपके राजकुमार राजीव की तस्वीर, जो सोमवार को यहाँ आ रहे हैं। Thank you.
गंगा दीदी उठिए उठिए, आपके राजकुमार आए हैं। क्या आ गए हो? देखिए तो। नहीं हमें नहीं देखना। देखिए तो सही, राम जी नहीं श्याम जी आए हैं। श्याम जी ये क्या बक रहा है तू? राजीव तो दिल्ली में बैठा है, किसी अर्जुन को भेजा है बंदोबस्त करने के लिए। क्या? देखिए अंकल, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो भाई राजीव है ना, वो बिल्कुल अमेरिकन है, तो ये धूल मिट्टी गर्मी धूप उसको बर्दाश्त नहीं होगी। और बदबू, अगर उसे बदबू आ गई, he will go completely bananas। मेरा मतलब पागल हो जाएगा। जानते हैं वो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? वो ये सब देखेगा और बेहोश हो जाएगा। जी हाँ, पहले बेहोश होगा, उसके बाद होश में आएगा, और होश में आने के बाद एले भाग जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। वो क्या है, किशोरी लाल ने कल रात को टेलीफोन में मुझे सब बता दिया था। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। तो अब आप लोग फौरन वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहता हूँ। सबसे पहले इन 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 गायों को यहाँ से हटा दीजिए। तो भैंसे हैं बेटा। हाँ जो भी हैं आंटी। और उसके बाद ये बकरियों को उनके बछड़े समेत मायके भेज दीजिए, राइट? और ये ये काटता है? नहीं काटता नहीं है, भौंकता है। ओके, इस कुत्ते को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि राजीव को कुत्तों से एलर्जी है। एंड ये यू मैन, ये खाट क्या कुत्ते के लिए है? ये खाट हमारे नौकर रामू की है बेटे। नहीं नहीं आंटी, रामू यहाँ पर नहीं सो सकता। रामू के लिए सेपरेट सर्वेंट क्वार्टर्स बनाइए, सर्वेंट्स का एक डिपार्टमेंट बनाइए, हर चीज का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। अंकल आप तो समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए हमको यहाँ पर सफाई जल्दी से करनी है कि ये जो चारा है तो गोबर है बेटा। रामू रामू, तुम्हारा नाम रामू है, इसे बाहर ले जाओ, इमीडिएटली बाहर फेंको। बेटा गाय और गोबर की सुगंध तो किशोरी लाल को। बाप की नहीं, बेटे की बात कीजिए माँ जी, बेटे की बात कीजिए। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए सफाई कराना बहुत जरूरी है। सो एवरीबॉडी मूव इट मूव इट मूव इट मूव इट, बहुत बहुत कम है, मूव इट मूव इट मूव इट मूव इट। बड़ा अखरू आदमी दीदी, कहता है हमारे मोती को बाहर कर दो, कहता है रामू को बाहर सुना दो। आदमी है या जानवर? डोंट वरी ब्रदर, इस जानवर को मैं जल्दी आदमी बना दूंगा। वो कैसे? इसका उपाय है मेरे पास। क्या करोगे तुम? आइडिया। क्या? वेलकम मिस्टर अर्जुन, वेलकम, कहे हमारी गंगा। आप? मैं दक्षा, कजिन। गुड, बैठ जाइए बैठ जाइए। और आप? पहले हाथ तो मिलाइए सर। पोटला। कजिन? भाई, ओनली ब्रदर। गुड गुड, यहाँ खड़े हो जाइए। वो गंगा नजर नहीं आ रही, गंगा कहाँ पर है? गंगा दीदी आओ ना। नमस्ते जी, जी। नमस्ते। गंगा? चश्मा मत उतारिए, मैं ही गंगा हूँ। तो फिर यानी कि आप ही वो गंगा हैं जिसे डैडी ने राजीव के लिए चुना है? हाँ, चाचा जी ने हमें जैसे ही देखा तो कहने लगे इतनी अच्छी गंगा तो सारे भारत में नहीं मिल सकती है ना पोटला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डैडी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आप जैसी लड़की पूरे भारत में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। यहाँ पे कोई टेलीफोन मिलेगा क्या? आप राजीव जी से हमारी बात कराएंगे? हाँ नहीं, मैं आपकी राजीव जी से बिल्कुल बात नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ खुद डैडी जी से बात करूंगा। ओके तुम चलो, आप यहीं पर बैठिए, आप नहीं आ रही, यहाँ बैठिए, तुम चलो ना भाई। हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है। जी हाँ, आप कॉल बुक कर लीजिए। थैंक यू। हाँ लाइटनिंग कॉल कीजिए। जी हाँ मुझे मालूम है 8 गुना चार्जेस होंगे, आप 8 गुना लीजिए, 16 गुना लीजिए, 32 गुना लीजिए। देखिए मेरा बात करना बहुत जरूरी है। यू नो मैडम, मैडम यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, लाइंस डाउन हो या ना हो, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। यस आई एम टेलिंग यू, यू नो इट्स लाइक दिस बिकॉज ये देखिए, अगर लाइंस डाउन भी हैं तो आप प्लीज कोशिश करके मेरी ये लाइन क्या कर रही हैं आप? अरे नहीं नहीं आप नहीं, एक्सक्यूज मी मैडम, अरे आप वहाँ पर जाकर बैठिए ना प्लीज। हमारी राजीव जी से बात कराइए ना। मैं आपकी राजीव जी से बात नहीं करा सकता, आप प्लीज वहाँ पर जाकर बैठिए। दक्षा जी आप ये गंगा जी को वहाँ पर बैठाइए और वहीं बैठा कर रखिए। नितिन जी आप यहीं पर रहिए, आई नीड प्रोटेक्शन। नहीं नहीं मैडम मैं वापस आ गया। हाय हाय मैडम, देखिए मैडम आप हम पर तरस खाइए। हेलो मैडम। हेलो सर, मैंने आपसे कहा था कि 4 घंटे से पहले कॉल लगेगी नहीं सर। मैडम यहाँ पर कोई अकेली जगह है? बिल्कुल है सर, मैं बिल्कुल अकेलेपन में रहना चाहता हूँ। बिल्कुल रहिए सर। आई डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब। बिल्कुल नहीं सर। और जैसे ही फोन आया आप मुझे बुला लीजिएगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। हेलो, आएगा 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 आएगा। थैंक यू। प्रॉब्लम में है पुअर चैप।
हेलो, हाँ दीजिए। कौन किशोरी लाल, कैसे हो यार? नहीं मैंने तो नहीं किया। हाँ अर्जुन यही है? नहीं राजीव कल आ रहा है। हम सब ठीक है, तुम सुनाओ। हाँ एक मिनट बुलाता हूँ। गंगा बेटी। जी पापा। तुम्हारे लिए फोन है। पापा किसका फोन है? तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन है। किसका? गेस करो किसका। बताओ ना। तुम बुझे ना। बताओ ना पापा। अरे किशोरी लाल अंकल का। किशोरी लाल अंकल का? मैं बात करूंगी, मुझे दो। हेलो अंकल, मैं गंगा बोल रही हूँ। सादर प्रणाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अंकल आपकी याद कैसे नहीं आएगी, बहुत याद करते हैं आपको तो। और आपका वो वाला गाना है ना आई लव इंडिया, सब गाते हैं, सुपर हिट हो गया है, दादी माँ भी गाती हैं। जी और आप कैसे? आप दवाई टाइम पर ले रहे हैं? दवाई? आपका लिटिल मास्टर यहाँ आया हुआ है। ठीक है, अकड़ू है, सड़ू। नहीं नहीं अंकल, अच्छा है, अच्छा अच्छा देती हूँ। हाँ बोल। नहीं सब बढ़िया है। साहब राजीव के कमरे में वो साबुन? हाँ उस साबुन को वैसे ही रख दो जैसे मैंने कहा था। जी। ये गंगा। और वो पंगा। तुम जा सकते हो। जी। डैडी आप ठीक थे, यू आर राइट। Excuse me. मैं मेरा नाम हम जानते हैं। आप अर्जुन हैं, राजीव के दोस्त। आप हमें और हमारे घर को देखने आए हैं। I'm sorry. मेरी एंट्री जरा गलत हो गई। I'm really very sorry. हाँ, दुनिया में जितने भी अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी गलती मानकर फौरन माफी मांग लेते हैं। जी, मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया में जितने भी अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरों के माफी मांगने पर उन्हें फौरन माफ कर देते हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आपने मुझे माफ कर दिया, और आपकी ये मुस्कुराहट कह रही है कि अब हमें फौरन दोस्ती कर लेनी चाहिए। और आपका हाथ कह रहा है कि हमें फौरन हाथ मिला लेना चाहिए, क्यों? जी दोस्ती पक्की? पक्की, बिल्कुल पक्की, बिल्कुल पक्की। पोटला पोटला पोटला, ये अरे आप लोग इनको वापस क्यों ले आए? अरे भैया, अरे ये गायों को बाहर, मेरा मतलब भैंसों को बाहर निकालिए आप लोग। अरे पोटला ये गंगा। इस घर का हर रिश्ता प्यार की कड़ी से बंधा है, चाहे वो इंसान और जानवर का हो या मालिक और नौकर का। हम नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को नहीं तोड़ देते। मैं पूछती हूँ कोई लाज शर्म है कि नहीं तुम लोगों को? घर के नियम भूल गए तुम लोग? लग तो ऐसा रहा है जैसे वो तुम्हारी सगाई की बात पक्की करवाने नहीं आया, बल्कि तुम उसकी सगाई करवाने चली हो, समझी? देखो बेटा, अर्जुन तुम्हारे भले का ही काम कर रहा है। अब यूं समझ लो कि जैसे वो एक फिल्म का डायरेक्टर है जो हीरो और हीरोइन को मिलवाने का प्लान बना रहा है। अब जैसे राजीव आ रहा है, तो कल उसके सादर सम्मान के लिए हमने शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। तो कल कोई शैतानी मत करना। हाँ अरे टांगे ना तोड़ देंगे, ये जो जिन टांगों पर तुम खड़े हो ना, कट 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 कटवा देंगे। हाँ अरे अरे आंटी, कैसे तोड़ेंगी, क्यों तोड़ेंगी? आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे आप कभी छोटी थी ही नहीं। अरे आपने भी तो शरारत की होगी जब आप इतनी छोटी सी थी। हजमत, तुम भी एक दिन बड़े हो गए। अंकल अब सब कुछ ठीक हो गया, अब हम सबकी दोस्ती हो गई है, हम एक दूसरे को जान गए हैं, पहचान गए हैं। बस एक बात इन सबको समझानी थी मुझे। देखो तुम लोग चाहे मुझे कुछ भी समझो, चाहे राजीव का नौकर समझो, चाहे उसका चमचा कड़छा कढ़ाई समझो, उसका दोस्त या भाई समझो, कुछ भी समझो, लेकिन एक बात है कि राजीव जैसा लड़का अमेरिका में तो क्या इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। आंटी राजीव की तो बात ही कुछ और है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग और स्टाइल, स्टाइल स्टाइल कमाल का है पोटला। देखना आज भी किस शान शौकत से
दिल्ली से क्या स्पेशल गाड़ी में आएगा हमारा अमेरिकन राजकुमार। वो आ गए साहब। कौन? आपके दिल्ली से राजकुमार, उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए चार, आ रहे हैं रथ पर होके सवार। ये अरे मुझे देखे राजकुमार को। वेलकम टू इंडिया जमाई राजा, वेलकम टू इंडिया। भाई पानी के ठीक है ना, जरा उसका पैर पीछे अंदर रखो, पानी में पैर भाई क्या कर रहा है, गर्दन मुड़ जाएगी उसकी, आराम से नहीं कर सकते क्या? लंबी सांस लो बेटा, भाई राजा। हां हां, अरे भाई कोई अदरक की चाय पी लेना। घुमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने, घुमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने। मामी सारे मेहमान आ गए हैं। ओहो, तुम्हारे पापा ने तो इतने लोगों को बुला लिया है, बेचारा राजीव घबरा रहा होगा। ये लो राजीव बेटा, इनसे मिलो। ये है हमारे एरिया के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर यादव साहब। हेलो सर। हेलो। अरे भाई जीते रहो सब ठीक है। क्यों भाई, शहर में किसी किस्म की तकलीफ हो तो हमें याद करना। अरे नहीं, आपके होते हुए क्या तकलीफ सर। अरे नहीं भाई, मेरा मतलब है किसी को डंडा वंडा दिलवाना हो, परसों ही मैंने एक मिनिस्टर को बंद करवाया भाई। वेरी गुड सर। अरे भाई इधर क्या हो रहा है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, आइए मुंह तो मीठा कीजिए, आइए ना मीठा कर लेंगे। प्लीज फनी कॉफ। राजी पहुंचू। अरे हमारे नहीं इनके। ओ जिंदा रे पुत्र, ओ हाउ आर यू बेटे। कूल सर। कूल? ओ कोट पाके तनु ठंड लग रही है। नहीं अंकल, कूल का मतलब फाइन, थैंक यू। ओ थैंक यू का यार, मैं किड़ा इनु पतासे बन गया। हां इट्स ऑल राइट। ओ सूर्यदेव इधर है भाई साहब। ओ चल भगवान चल। भाई साहब आपकी भी मारने की आदत गई। पंजाब में ऐसे ही मारते हैं और ऐसे ही प्यार जताते हैं। साहब कुर्सी, साहब कुर्सी, साहब कुर्सी। अब पॉल, ही इज ट्राइंग टू से दैट यू कैन हैव द चेयर टू सिट। चेयर चेयर। नो थैंक यू सो मच। अरे भाई रामू, हमारे साहब को हिंदी नहीं आती ना, चेयर बोलो चेयर। बाहर में जाइए आप। थैंक यू वंस अगेन। बाबा बच्चे को नजर लग गई है, जब से हिंदुस्तान आया है इसकी तबीयत ठीक ही नहीं रहती, आप कुछ कीजिए ना। हे Hey, what's happening? ये नजर उतारो बाबा है, ताकि तुमको नजर ना लगे। अंडरस्टैंड ना यार। बाबा इनको भी नजर लगी है, सो प्लीज एक। अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल। थैंक यू वेल, ये इंडिया का प्यार है। बैठ जाए। कैसा लगा? सच बात बताऊं, एकदम राजकुमार है। स्वीट है। बाय द वे, गंगा कहाँ है? मैं अभी देख के आता हूँ। ओके। अरे बुआ ये क्या हो रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है, गंगा कहाँ है? तैयार हो रही है बेटा, सज रही है, समर है। अर्जुन घर से लो आ गए। अर्जुन मैं कैसी लग रही हूँ? वाह वाह वाह, देखा मैंने कहा था ना, जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो देखते रह जाओगे। जी हाँ देख तो रहा हूँ। लग रही है ना सुंदर? माफ कीजिएगा, बिल्कुल बंदर लग रही। क्या क्या क्या? अरे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, राजीव को ये लदे पदे जेवर बिल्कुल पसंद नहीं है। हा? वो अमेरिकन लड़का है, उसको सादगी पसंद है। पर यही तो है इंडिया की सादगी बेटा। जी नहीं ये सादगी नहीं है, सादगी आपको मैं समझाता हूँ। ये पकड़िए आप, और आप उधर चलिए, और सबसे पहले ये उतारिए, ये कचरा, और ये गोल्डन जेवर क्यों पहने आपने? Man.
राजीव जी, शी इज गंगा. नमस्ते. दैट्स दक्षा एंड शी इज सोनाली. हाय. आप क्या लेंगे? चाय लेंगे, जूस लेंगे? मैं चाय प्रेफर करूंगा. आप भी चाय? टी? या टी, टी ऑफ कोर्स. आपको शक्कर कितनी डाल? एक चम्मच. एक? दो और? दो और? दो. अच्छा, एक और? एक और. एक काम करिए, आप सारी डाल दीजिए. सारी डालें? Thank you. चाय नहीं, आप नो नो नो, I'll have tea without sugar. काफी अकलमंद हैं आप. I love India. राजीव. तुझे गंगा कैसी लगी? मुझे सोने दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है अर्जुन. अच्छा तो फिर मैं अपने लिए बात कर लूं. शट अप एंड स्लीप. ओके, गुड नाइट. गुड नाइट. भाई गंगा, तुमने अभी तक हमें ये तो बताया नहीं कि राजीव तुम्हें कैसा लगा. भाई ये तो आपने भी नहीं बताया, आपको कैसा लगा? पसंद आया या नहीं? पसंद आया ही नहीं. अरे तुम बताओ ना. आप बताओ ना. नहीं नहीं, पहले तुम बताओ. नहीं नहीं, पहले आप बताओ ना प्लीज. बताओ ना प्लीज. ठीक है, मैं बता देता हूँ. राजीव तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया. नहीं नहीं पापा, मैंने ऐसा कब कहा? यानी तुम्हें पसंद है? हाँ. डैड इज बैड. सूरज देव ने सबको बुलाया, आपको और हमको नहीं. वो डर गया कि अमेरिकन लड़के की बात में कहीं तुम टांग ना अड़ा दो. ब्लडी अमीर चंद टांग अड़ाता नहीं, टांग खींचता है. गंगा और राजीव की बात पक्की हो गई डैड, तो हम कच्ची कर देंगे. सूरज देव, जरा मेरा भी सूरज चढ़ने दे, फिर देख. फिर देख. I love my दीदी, कहाँ जा रही हो? अरे राजीव को दूध देने. लाइए इधर. हाँ? गंगा जी माँ, ये जाकर राजीव को दे आओ. मैं दे कर रहा हूँ. हाँ जाओ, दे आओ. कहा ना, जाओ जल्दी. अरे ये क्यों, हम क्यों नहीं? अर्जुन ने कहा है आज दूध पहुंचाने का काम गंगा ही करेगी. अर्जुन ने कहा? ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया. ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया. आई लव माई इंडिया. हमारे देश में सांप को जानवर नहीं देवता मानते हैं. आप आराम से दूध पीजिए और सो जाइए, कुछ नहीं होगा. अमेजिंग. आप? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अकेले में. अकेले में क्यों? वेल, कुछ बातें हो जाएं तो अच्छा नहीं है. तो कीजिए ना. यहाँ नहीं.
तो कहाँ? नहीं भी उस खेत में विंडमिल के पीछे। मैं माँ से पूछ कर आऊँ? आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती? नहीं ऐसा नहीं है, आप यहीं ठहरिए ना, मैं अभी आती हूँ। बुआ क्या है? मैं राजीव के साथ खेतों में जाऊँ। खेतों में? अरे बेशरम, हमसे काहे पूछ रही, अपनी माँ से पूछना। अरे भाभी सुना तुमने, तुम्हारा राजीव गंगा को खेतों के पीछे ले जाना चाहता है, पवन पंखे के पीछे। हाँ कौन ले जा रहा है पवन पंखे के पीछे? अरे क्या बताएं अम्मा, घर में आए मेहमान बनके और हमारी आंखों के सामने लड़की को खेतों के पीछे ले जा रहा है, झाड़ियों के बीच में। दीदी थोड़ा खामोश रहेंगे आप? अच्छा ठीक है, हम खामोश रहते हैं, जाने देते हैं लड़की को पंखे के पीछे, बहुत गर्मी लग रही है ना। दीदी जरा आहिस्ता तो बोलिए ना। अरे कैसे आहिस्ता बोले, हमसे नहीं बोला जाता आहिस्ता। अरे हम कोई घुन्ने हैं, कोई मक्कार हैं? हमारे खानदान में शादी से पहले लड़कियां नहीं जाती खेतों के पीछे। तुम्हारे खानदान में जाती होंगी तो भेजो, बड़ी एडवांस बन रही हो ना, अमरीका भेज रही है लड़की को। ए तू यहां क्या कर रही है? मुबारक हो। Why is this crazy woman blowing up? I mean, what's the problem, huh? They're crazy, they're funny people. Rajiv, Rajiv, मेरे भाई, अगर तुम्हें गंगा से मिलना ही था, तो खेतों की बात करने की क्या जरूरत थी? खेतों में क्या है? देखो राजीव, हिंदुस्तानी सभ्यता में शादी से पहले कई तरह के बंधन होते हैं, बंदिशें होती हैं। This is India? Is this India? And I love India. नदी नदी नहीं जिसमें पानी ना हो, हवा हवा नहीं जिसमें रवानी ना हो, वो शादी शादी नहीं जिसमें प्रेम कहानी ना हो। वावा, 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 बहुत अच्छा है, आप लोगों की बहुत अच्छा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। देखिए राजीव और गंगा की शादी होने से पहले हाँ। ये जरूरी है कि उन दोनों के दिल मिलने चाहिए हाँ। और सर दिल तो तभी मिलेंगे जब दो बातें होंगी, और दो बातें तो तभी होंगी जब दो मुलाकातें होंगी, है ना माजी? पर हमें उनके मिलने में क्या एतराज हो सकता है? हाँ? नहीं नहीं, आप लोगों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन कल खेतों वाला सीन जो बुआ जी ने कर दिया। देखिए मैं आपसे सच सच कह रहा हूँ हाँ? राजीव अमेरिका का लड़का है हाँ? भाग जाएगा। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या है कि कल हम उनको बच्चों को सबको खेत खलियान घुमाते हैं, किला दिखाने ले जाते हैं। बुआ जी हमें क्या है, हमने तो अपना मुंह सी लिया। लो। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा, तू चुप रह। कहत अर्जुन सुनो भाई साधो, टूटे दिलों से दूर मत जाइयो, ना ना ना, मिलते दिलों के पास मत आइयो। राजीव चलाने वाले साइकिल चला रहे हैं, किस किस बहाने देखो तुमको मना रहे हैं। वाह 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 वाह, लेकिन वैसे हम भी कुछ कम नहीं है गंगा, तुमने देखी ना हमारी कारीगरी, किस तरह घर वालों को मना लिया कि बाहर हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। इसी बहाने तुमको राजीव के साथ अकेले में बात करने का मौका भी मिल जाएगा। बहुत प्यार करता है तुमको, बहुत ज्यादा प्यार करता है। अरे कभी कभी तो मैं सोचता हूँ अभी इतना प्यार करता है तो बाद में क्या होगा, एकदम दीवाना है। बिल्कुल दीवाना है। क्या बात है गंगा, ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? हम आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो ना। हम जानते हैं कि राजीव को दीवाना हमने नहीं, आपके प्रयत्नों ने बनाया है। आप राजीव के दोस्त हैं, उसके भाई हैं, लेकिन कुछ रिश्ता हमारे तुम्हारे बीच भी बन चुका है। रिश्ता एक अटूट विश्वास का, एक दोस्त का, है ना? हाँ तुम कहना क्या चाहते हो गंगा? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हमारे लिए राजीव ठीक लड़का है? अरे इतने इतने दिनों के बाद अचानक ये सवाल। ही इज अ वेरी नाइस बॉय। यस राजीव ने हमसे कुछ छुपाया है, कल मैं उसके कपड़े तह कर रही थी, उसमें से ये निकला। बात सिगरेट की नहीं है, बात छुपाने की है।
अर्जुन, अगर उनमें और भी कोई ऐब है तो तुम मुझे आज ही बता दो, ताकि मैं अपनी जिंदगी का फैसला ठीक ठीक कर सकूं। देखो, तुम्हारे मशवरे से या तो मेरी जिंदगी आबाद हो सकती है या बर्बाद। गंगा गंगा गंगा, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। ये पैकेट राजीव का थोड़ी ना है। अरे भाई, ये तो मेरा है। प्रॉमिस? एक्चुअली क्या है कि कभी कभी मैं सिगरेट पी लेता हूँ। राजीव, शराब सिगरेट नेवर। अरे इसके साथ एक लाइटर भी होगा ना, दो दो जरा। हम चाहेंगे आप भी सिगरेट पीना बंद कर दें। पता है, गुंडा लगता है आदमी सिगरेट पीता हुआ। छोड़ दें? छोड़ दो। छोड़ दिया। खुश? पता है, तुम बहुत बुरे हो। अब भी बुरा हूँ? नहीं, अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। थैंक यू। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल मैं जरा थम लो, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर चुपके चुपके। ऐसे भोले बन कर हैं बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है, अगर होंठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है नजर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके।
जगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा वैसा ही उधर का समां। दिल में कैसी कसक सी जगी, दोनों जानिब बराबर लगी। देखो तो इधर से, देखो तो इधर से, उधर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। जी हाँ डैडी, राजीव को गंगा पसंद है। तुम कुछ नहीं बोले राजीव। डैडी मैं सोचता हूँ कि शादी से पहले गंगा को अमेरिका जाना चाहिए, अमेरिकन कल्चर अमेरिकन लोग देख लेने चाहिए। ठीक ही तो है डैडी, आखिर लड़की को परदेश में रहना है, लड़के को तो नहीं। अच्छा होगा कि गंगा एक दो महीने के लिए हमारे साथ अमेरिका चले और सब कुछ देख ले। मैं खुश हूँ बेटे कि तुमने बहुत समझदारी की बात की है। मैं सूरज देव से बात करूंगा। आप कह क्या रहे हैं, लड़की को अमेरिका भेज दें, वो भी अकेले? आपकी तबीयत तो ठीक है। अरे तो इसमें बुरा क्या है, किशोरीलाल दोस्त है, दोस्त के घर नहीं जा सकते क्या वो? सूरज बेटा, लड़कियां हमारे यहाँ बिना शादी ऐसे नहीं जाती, और वो नहीं जाएगी ये मेरा भी फैसला है। बिल्कुल सही। तो ठीक है, तोड़ दो बातचीत, मैं कह देता हूँ किशोरीलाल से। और अम्मा ये ढकोसला करने की क्या जरूरत थी, उसको राजीव को अमेरिका से बुलाने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या करें, अमेरिकन बन जाए हम सब। आओ किशोरीलाल। किशोरीलाल बेटा, लड़की को इस तरह बिना सगाई बिना रिश्ते कैसे भेज सकते हैं? जरा सोचिए तो भाई साहब, छोटे से शहर में रहते हैं हम लोग, लोगों को क्या कहेंगे? कानाफूसी तो पहले से ही शुरू हो गई है भाई साहब, और कहीं लड़की शादी के बिना वापस आ गई तो? एक हल है मेरे पास। क्या? गंगा और राजीव की सगाई इसी हफ्ते यहां करवा देते हैं, उसके बाद गंगा हमारे साथ जाएगी और एक महीने के बाद दोनों की शादी धूमधाम से अमेरिका में करवा देंगे। बोलो बोलो, अब तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सगाई के बाद तो क्या एतराज हो सकता है बहू को, है ना बहू? हाँ तो बोलो, ठीक है। हाँ ठीक है जी। भाई मैं तो कहता हूँ कि आप सब लोग भी हमारे साथ अमेरिका चलिए। नहीं वो तो नहीं हो सकता, वो क्या है कि हमारे कारोबार का सीजन तो अब शुरू हो रहा है ना, हम में से तो कोई नहीं जा पाएगा। अब हम सब नहीं जा सकते तो कुलवंती तो जा सकती है गंगा के साथ अमेरिका। अमेरिका? नहीं अम्मा, कैसी बातें करती हो तो? नहीं नहीं, अरे चली जाओ क्या। हाँ दीदी यही ठीक रहेगा, गंगा के साथ आप रहेंगी तो वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगी। अम्मा जाओ ना। अच्छा, अरे भाई अब सभी जोर दे रहे हैं तो चले जाते हैं। दो बात तय हो गई, सोमवार को सगाई फिर गंगा की विदाई, और भाभी इसी बात पर खिला दो हम सबको मिठाई। विदाई जैसी ही तो होगी, फिर क्या पता गंगा वापस हिंदुस्तान कब आती है। गंगा, 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 गंगा,
अरे तू यहां अकेली बैठी है? हाँ ये क्या, इधर सगाई पक्की हो गई और तू रो रही है? जानता हूं पापा को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा ना। हमें नहीं जाना है कहीं। जाना तो होगा बेटी, बेटियां तो एक दिन अपने घर चली जाती हैं, अपनी मां को छोड़कर, अपने पापा को छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप क्यों रोने लगे? No, not correct. तूने रुलाया। आपने रुलाया मुझे। तूने रुलाया। आपने मुझे रुलाया। चल चल उठा। पता है सोमवार को सगाई और विदाई दोनों है, आज से तो कार्ड भी बटने शुरू हो गए। कार्ड भी? ये जरूर अर्जुन का आइडिया होगा। क्या कुसुम की सगाई राजीव लाल से, यानी तुमसे? हरगिज नहीं। सुना आपने कीर्तन सिंह जी? जी। अरे ये घोर अन्याय है, सारा गांव जानता है, सारा गांव कि सूरज देव की गंगा की सगाई की बात मेरे बेटे ब्लडी मनुचंद के साथ चल रही थी। क्यों नहीं थी? ये हमारी इज्जत पे नहीं, सारे गांव की इज्जत पे पत्थर मारा उसने। ये झूठ है अंकल, आपसे कोई वादा नहीं किया था। चुप। अरे एमसी, अरे एमसी उछलना बंद कर यार। अरे गंगा की शादी उस फिरंगी के साथ हो रही है यार। एक्सक्यूज मी सर, राजीव कोई फिरंगी नहीं है, राजीव एक हिंदुस्तानी का बेटा है, श्री किशोरी लाल जी का। उस किशोरी लाल बास्टर को तुम्हें ठीक से जानता हूं। मार दिया। डाइड इज बैड। पहले पहले सगाई तोड़ी, अब मेरे बेटे को तोड़ रहे हैं। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ। डैड इज बैड। नहीं राजीव, नहीं नहीं राजीव प्लीज, नहीं नहीं अर्जुन नहीं, तुम लोग झगड़ा नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम। फैसला तो होगा ना सूरजदेव? कैसा फैसला? मैं बाप हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ मर्जी करूँ। कैसा फैसला चाहिए आपको, आप बताइए, हम करेंगे आज ही अभी। तो आओ कर लो मुकाबला खेल के मैदान में, जो जीते वो ले जाए गंगा को। हमें आपका चैलेंज मंजूर है, आज गंगा को आप ले जाएंगे या हम। ये बात हुई स्वयंवर वाली। अरे सीता जी को पाने के लिए रामचंद्र जी को भी धनुष उठाना पड़ा था, तो आज खेल के मैदान में जो जीतेगा वही गंगा का वर होगा। कमाल करते हो सरपंच कीर्तन सिंह जी, मेरी बेटी का भाग्य एक अखाड़े में लिखा जाएगा क्या? तो कह दो कि तुम झूठे और मक्कार हो ब्लडी, और इस अमेरिकन के हाथों बिक गए। बिक गए अमीर चंद, मक्कार सूरज नहीं, मक्कार तुम हो, और तुम्हारी इस मक्कारी का जवाब हम जरूर देंगे। वो स्वयंवर वाली मनगढ़ंत बात भी चौधरी जी ने अच्छी कही, मेरे बेटे गंगा के लिए हर धनुष उठाने को तैयार है। बताओ कौन सा धनुष है तुम्हारे पास, मैं भी देखू ना तुम्हारे बेटे ने कितना घी पिया है। मैं तैयार हूं डैडी, आई एम रेडी। बोलो मनुचंद, कौन सा मुकाबला चाहिए तुम्हें? दौड़, कुश्ती, लटबाजी, बोलो। कबड्डी, कबड्डी का मुकाबला होगा। कबड्डी, डन। ठीक है, आज और अभी। क्या कबड्डी का मैच होगा? हाँ, और जो जीतेगा वो गंगा दीदी का वर होगा। क्या मजाक है, जाओ तुम, देखो तो रोको उन्हें। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू फिकर मत कर सूरज, हरा देंगे उनको। कबड्डी 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 कबड्डी। देखा चौधरी जी, पट्टा है मेरा।
Kabaddi Yes! Yes! Come on, Paul! Kabaddi! What happened? Yeah! American is out! Are yaar! Are we winning or losing, huh? को कन्हैया जीरा
चल अब बेटी, चल। बस बस रोते नहीं। अब तू कहेगा कि गंगा का ख्याल रखना और मैं कहूंगा कि गंगा तो अब मेरी बेटी है, तेरा क्या हक है? बिल्कुल ठीक। राजीव, अर्जुन नहीं आया अभी तक। अर्जुन हमारे साथ अमेरिका नहीं आ रहा है गंगा। क्यों? थोड़े दिन और इंडिया में रहेगा। यानी? यानी ये कि अर्जुन आ गया, आप उसे खुद पूछ लीजिए। ओ सॉरी सॉरी आई एम सॉरी। ये लो तुम्हारे और राजीव के लिए। ये क्या मतलब हुआ? तुम हमारे साथ अमेरिका नहीं आ रहे? देखो गंगा, वो क्या है कि मुझे अपने गांव मथुरा वापस जाना है। पिताजी का वहां पर एक घर है, उसे तोड़वाकर एक म्यूजिक स्कूल बनवाना है और बहुत सारे लीगल पेपर्स हैं जो साइन करने हैं। लेकिन ये बात तो तुमने पहले नहीं बताई। मौका ही नहीं मिला। ये लो रखो। ठीक नहीं किया तुमने। एक तो पहली बार हम प्रदेश जा रहे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे हम। अरे कैसे अकेली पड़ जाओगी? राजीव हैं, डैडी हैं, बुआ हैं और वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम तो नहीं होगे ना वहां? तुमने तो कहा था अमेरिका में तुम मेरा साथ दोगे, तुम्हारे ही भरोसे तो हम। देखो 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 गंगा, मेरी जिम्मेदारी, मेरा काम यहीं तक था। अब तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिंदगी अलग और मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी अलग, समझे? ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अब तुम्हें एक जिम्मेदार बहू की तरह परदेश में सब लोगों के साथ प्यार से रहना है। स्पीच मत दो। अरे चल राजकुमारी, तेरा हवाई जहाज छूट गया तो यही हिंदुस्तान। और मैं अकेली जा सकती हूँ, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप को संभाल लूंगी मैं। अर्जुन बाय बाय। राजी बाय 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 बेटे। बाय बाय। पागल लड़की एकदम। आप अर्जुन सागर हैं? जी हाँ। एयर इंडिया फ्लाइट के पैसेंजर ने आपके लिए चिट्ठी भेजी। जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। अर्जुन जल्दी आना। देख रही हो वो मैरून ड्रेस में? जी। वो नीता है, मेरे छोटे भाई सैंडी की भाई। सैंडी? संदीप लाल था, अमेरिका में आकर सैंडी हो गया है। फ्रेंड्स, दिस इज माई वुड बी डॉटर इन लॉ गंगा। ये कहती है ये पाए। हेलो डैडी, लड़की तो बड़ी सुंदर लेकर आए हैं। लगती डोमिनेटिंग है। क्यों भाभी डर रही हो? मैं नहीं डरती किसी से। बहन जी, क्या यहाँ पर सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं क्या? बहन जी, तुमने मुझे बहन जी कॉल किया? हाँ, क्या मैं तुम्हें बहन जी लगती हूँ? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम है पद्मा और यहाँ के लोग मुझे पैडी कॉल करते हैं।
और ये है तुम्हारी आंटी नीता, मैंने तुम्हें बताया था ना, नमस्ते करो। हाँ, और ये है मेरे सबसे छोटे भाई सैंडी। Come on, गंगा, let's go dance. हाँ दी, माँ जी, मैं जाऊँ? जाओ। हमारी गंगा को देखो जी, ये भी कोई तरीका हुआ लड़की से मिलने का? और तू कितनी बेशर्म है, कैसे चिपक चिपक कर मिल रही है गोरों से? भूल गई तू किस घर की है? चल मेरे साथ रह, चल। ओह, शी इज फनी। बच्ची है ना बहन जी, क्यों नाराज होती है उस पर? अभी हमारी बेटी है। आओ बेटी, जाओ। शरल, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। दिस इज कैरल। हाय। And this is Priya. Hi. भाई ये तो अच्छा हंगामा हो गया। अरे क्या बताएं मिस्टर मित्रा, किशोरीलाल भाई साहब हिंदुस्तान से लाए भी तो क्या गोबर उठा लाए हैं। Yeah, of course. Anyway, Mr. Mitra, isn't it amazing? I love it. Yeah, it's so beautiful. Excuse me. It's so enchanting. गंगा बेटी, जरा हमारे पास भी तो बैठो। आओ बैठो। नमस्ते। क्यों, है ना हमारी बहू सुंदर? सुबह से खाना नहीं खाया ना, भूख लगी है ना? टीचर, जरा दो प्लेट में खाना लाना हम लोगों के लिए। आज हम अपनी बेटी के साथ खाना खाएंगे। बेटी गंगा, सुखी रहे। क्या देख रही थी? परदेश? यहां या तो बहुत सन्नाटा है या फिर बहुत शोर, आदमी अकेला है या फिर मेला है। कल रात तुम्हारे सत्कार में हुई पार्टी में नीता ने जो तुम्हारा तिरस्कार किया, मैंने देखा सुना। पर माँ जी, उसमें बुआ की भी तो गलती थी। बेटी, किशोरीलाल जैसे देवता भाई के घर में आधे हिंदुस्तानी हैं आधे अंग्रेज, इसीलिए तुम्हारी जैसी गंगा का तिरस्कार इस घर में कई बार होगा और तुम्हें ही सहना होगा। यही तुम्हारी परीक्षा है। माँ कहती है औरत की परीक्षा तो जन्म से मरण तक होती है। बस बस बस, तू समझ गई, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। क्यों बड़ी दीदी, ये क्या गुपचुप गुपचुप बातें हो रही हैं हमारी बिटिया के साथ? देखो गंगा आते ही घर का काम संभालने लगी। बिल्कुल नहीं, हमारी बिटिया घर का काम बिल्कुल नहीं करेगी। इसे तो अभी अमेरिका देखना है, कैनेडा देखना है। क्यों गंगा बिटिया? बिटिया एक खुशखबरी है, कल हमने अपने नए इंडियन एम्बेसडर के सत्कार के लिए शहर के सभी वीआईपी हिंदुस्तानियों को बुलाया है, जो तुम्हारा और राजीव का भी सम्मान करेंगे। डैडी, अर्जुन नहीं आया? बेवकूफ है वो, पता नहीं आ जाएगा दो तीन दिन में। अच्छा डैडी, मैं कल कौन से कपड़े पहनूं? हिंदुस्तानी। थैंक यू। हमें इस स्वागत के बाद एक स्वागत और करना है, वो स्वागत है उस गंगा का जो भारत से
इस प्रदेश में पहली बार आई हैं। किशोरीलाल परिवार की होने वाली बहू सुकुमारी कुसुम गंगा हमारे भारत की सरस्वती हैं, हमारी संस्कृति का प्रतीक हैं। और अब हम कुसुम गंगा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ आए और कुछ पंक्तियाँ हमें गाकर सुनाएं। आपकी होने वाली बहू बहुत सुंदर है। थैंक यू। क्या गाऊं? बेटी, हम सब ये जानना चाहेंगे कि तुम्हें परदेश में आकर कैसा लग रहा है। लेकिन मुझे सारे बोल नहीं आते। कहो ना। जी अर्जुन, अर्जुन तुम आ गए। अरे गंगा, आराम से आराम से। अर्जुन, इतने दिन क्यों लगा दिए? मालूम है मुझे कितनी परेशानी हुई। बुआ ने तो सारी सिचुएशन उल्टी सीधी कर दी। उन्होंने तो सारे क्या कर रही हो गंगा? गंगा, ये बात करने का मौका नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। तुम चाहो ऐसे वो लोग चाहते मैं इंडिया सॉन्ग गाऊं। हां तो गाओ ना। तुम भी गाओ ना मेरे साथ। चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं गा सकता। देखो डैडी गुस्सा होंगे, तुम जाओ। व्हाट हैपेंड? क्या हो रहा है? ये मेरा दूसरा बेटा है, मेरा भांजा, बेटे जैसा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं गा सकता, बड़े डैडी गुस्सा होंगे, तुम जाओ। अच्छा मैं जा रही हूं, लेकिन मुझे तुमसे बहुत बात करनी है। हां, बाद में बात करेंगे, तुम जाओ। गंगा ये शहर का सबसे बड़ा अखबार है। आप भी तो शहर के बड़े राजकुमार हैं। ऑफ कोर्स, इसे संभाल के रखेगा, इसे हम वॉल पर फ्रेम करा कर रखेंगे। ओके ओके। राजीव, हम हॉलीवुड जा रहे हैं। कल सुबह। कौन कौन जा रहा है? हम सब। नीता, नीता आंटी भी?
नीता आंटी नहीं जा रही। हैप्पी? और अर्जुन? अर्जुन भी नहीं जा रहा है। कल फोन पर अर्जुन से बात हुई, ही सेड नहीं आ सकता वो। क्यों? भाई तुम पूछ लो, तुम भी तो अर्जुन को उतनी ही अच्छी तरीके से जानती हो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से मुझे किस दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। कम ऑन। नहीं। कम ऑन। नहीं। कम ऑन। इट्स ओके, इट्स ओके। कम ऑन, कम ऑन, भाई वाह, क्या पराठे बनाए हैं। आई एम इन अ हरी आंटी। पीटर, ऐसे पराठे मैं सच कह रही हूँ गंगा बेटी, इंडिया में नहीं मिलते। अर्जुन इस घर में नहीं रहता। अर्जुन यहाँ? ये तो केएल हाउस है, कोई सर्वन क्वार्टर नहीं। यानी अर्जुन इस घर का सर्वेंट है? सर्वेंट जैसा ही तो है। वैसे भाई साहब ने उसे बहुत कुछ दिया। हमारी कंपनी के गैराज में नीचे गाड़ियां संभालता है, ऊपर स्टूडियो चलाता है। पराठा? तो फिर अर्जुन खाना कहाँ खाता है? अरे खाता होगा कहीं होटल वोटल में। वैसे यहाँ कभी आए तो हम खिला देते हैं, गरीब समझ कर। ओहो, तो मार गोली अर्जुन को, बेटी पराठा का ठंडा हो जाएगा। ले गंगा दीदी, गंगा दीदी, कृष्णा माँ ने आपके लिए पराठे भेजे हैं आलू के। चीनू तू मेरे लिए काम करेगा? जी। पराठे। थैंक यू चिनू। चिनू लीजिए, कुसुम गंगा मेम साहब जी ने आपके लिए भेजी है ये चिट्ठी और हमारे लिए पराठे। ये पराठे आप हमको खाने दीजिए, आप सिर्फ चिट्ठी पढ़िए। ये क्या? चुप। चिट्ठी में लिखा है लिटिल मास्टर अर्जुन जी, अपनी मास्टरी मत दिखाइए, चुपचाप हमारे साथ चले आइए, ये डायरी का हुक्म है और हमारी कसम है। हाय, अगर हमें कोई ऐसा लिखे ना, कसम से अरे जहन्नुम में भी चले जाएं उनके साथ। उल्लू के पट्टे, वो राजीव की होने वाली बीवी है। होने वाली बीवी? हुई नहीं है अभी। ये देखिए। क्या किया तुमने उस न्यूज़पेपर के साथ? घुमा दिया, कहाँ, किधर? वही तो, याद नहीं आ रहा मैंने वो कहाँ रख दिए। किस? उसमें तो मैंने पराठे बांधकर भेज दिए। पराठे? हाँ, वो अर्जुन को। अर्जुन को? शिट, मतलब आपने हमारी मान मर्यादा को पराठों के साथ लपेट दिया। I must say that you're a typical Indian idiot, बिल्कुल जाहिल। राजीव, आज कह दिया है, आइंदा से ना कहना। गंगा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि मेरे पास इसकी सिर्फ एक कॉपी थी। लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। अरे गंगा, तुमने राजीव को बताया नहीं कि जब तुमने मुझे वो पराठे भेजे थे तो उसके साथ एक खत भी भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं इस अखबार की तस्वीर को एक खूबसूरत से फ्रेम में डलवा कर ले आऊं। ओहो, भूल जाती हो, ये देखो मैंने उसे कितने खूबसूरत फ्रेम में लगाया है। टन टन। Really nice, very nice, you know. अरे excuse me. वो देखा राजीव क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है वो। और तुम कहते थे कि वो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता। गंगा, गंगा, देखो गंगा, ये अमेरिका है और ये डिस्को है, यहाँ पर सिगरेट पीना फैशन माना जाता है। देखो ना, यहाँ पर 90% लोग सिगरेट पी रहे हैं। तो राजीव 90% में से है। झूठ बोला ना तुमने मुझसे? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? वो कौन थी? बड़ी हाय हाय कर रही थी। Oh, we are going to start what you all must be waiting for. The game made for each other.
पता ये बता रहे हैं कि इस म्यूजिकल चेयर के कॉन्टेस्ट में जो लड़का लड़की जीतेंगे उन्हें अपने मन से एक नंबर बताना होगा, और अगर उनके नंबरों की जोड़ी इनके ग्रहों के नंबर से मिल गई तो उन्हें मेड इन हेवन का अवार्ड मिलेगा। मेड इन हेवन? ऐसा क्यों? क्योंकि इनके मुताबिक इस दुनिया में बनाई हुई जोड़ी के मुकाबले स्वर्ग में बनाई हुई जोड़ी ज्यादा महान मानी जाती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। राजीव के पास चलें। तुम्हें खेलना है? हाँ। आओ चलते हैं। ऑलराइट। राजीव क्या? राजीव? गंगा, गंगा मीट माय कॉलेज फ्रेंड केली रॉस। हेलो, हाय। गंगा माय फियांसे। राजीव कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए चलो ना। गंगा, ये बच्चों का खेल है, इसमें मैं क्या करूँगा। तुम एक काम करो, अर्जुन के साथ जाओ और इसमें हिस्सा लो। नहीं, हम अर्जुन के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? ये नहीं जाएंगे, एक्चुअली इनको जाना भी नहीं चाहिए। मैं केली के साथ डांस कर लेता हूँ। केली, मे आई हैव दिस डांस विद यू? श्योर। मैं चल रही हूँ ना। अरे भाई, एक्सक्यूज मी। चलो। बी अ ड्रिंक, यू डेड, यू सन ऑफ अ गन, शट अप, यू शट अप। मैं ये डिस्को अभी खरीद सकता हूँ, अभी। It's okay, मैं ठीक हूँ, it's alright. Hey, you lay off. मैं सब कुछ कर ही सकता हूँ, सब कुछ। No one can stop me. Get him out of your mind. Hey, I'm not drunk. छोड़ो मुझे। राजीव। I'm Rajiv Lal. Let him go. छोड़ो मुझे। Let him go. छोड़ो मुझे। Acting funny with me. मेरे साथ। ये इसका हमेशा का सीन है। शराब पी के बेहोश हो जाता है और अर्जुन इसे घर ले जाता है। कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। राजीव कैसा है? अच्छा है। अर्जुन भैया कैसे हैं? बहुत अच्छा। दिल लग गया तुम्हारा परदेश में? मालूम नहीं, सब कुछ है, कुछ भी नहीं। हाँ, 1000 VIPs को बुलाया है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। शहर के सारे 5-स्टार होटल बुक कर दो। गोरे भी क्या याद रखेंगे कि किशोरी लाल ने अपने बेटे की शादी की थी। राजीव, ये केली तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ। तुम उससे बहुत प्यार करते थे। हाँ। शादी भी करना चाहते थे। हाँ। तुम्हारे और केली के, मेरा मतलब है, तुम्हारे बीच शारीरिक संबंध भी थे? गंगा, अमेरिका में गर्लफ्रेंड से ऐसे संबंध हो जाते हैं, होते हैं। इसमें इतना परेशान होने की, इतना तूफान खड़ा करने की क्या जरूरत है? केली मेरा कल थी और तुम आज, सो रिलैक्स, ओके? हेलो, हे केली, इट्स केली। केली, यू वोंट बिलीव, अभी हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। सच? ऑस्ट्रेलिया जा रही हो आज रात को? मिलना है तो ऑफिस आ जाओ, हम लोग वहां से साथ में चलते हैं डिनर पे, ओके? या बाय। केली मेरे प्यार में हिंदी बोलना भी सीख गई। गंगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, वरना केली को खराब लगेगा। मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए तुम खाना खा लेना, ओके? बाय बाय स्वीट हार्ट, टाटा। गंगा, मैं तुम्हारे लिए भू, ओके, आई एम सॉरी, मेरी एंट्री शायद गलत वक्त पर हो गई, मैं बाद में। ठहरो। सब गलत हुआ, सब गलत, और इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम। सब झूठ बोला ना तुमने, राजीव ऐसा है, राजीव वैसा है, ऐसा है तुम्हारा राजीव, ऐसा। देखो गंगा, अब ये छोटी छोटी बातें, ये सब तो तुम्हें एडजस्ट करना सीखना ही होगा। छोटी बात? ये छोटी बात है? छोटी बात है ये छोटी बात है? देखो,
मुझे सोने का महल नहीं चाहिए, एक इंसान का प्यार चाहिए, एक इंसान का, समझे तुम? छोटी बात है। लेकिन गंगा, सभी तो प्यार करते हैं ना तुमसे। कोई नहीं करता, और मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर किस किस्म का प्यार चाहिए तुमको? किस तरह का प्यार चाहिए तुमको? खुद से पूछो, जैसा तुम करते हो दूसरों से, ऐसा प्यार चाहिए हमें। आप सबने मुझे एक भोली भाली तस्वीर समझकर एक सोने के फ्रेम में जकड़ रखा है, और चाहते हैं कि मैं चुपचाप उस दीवार पे टंगी रहूं और इस झूठी सजावट का एक हिस्सा बन जाऊं। गंगा, इस सपने के साथ तो परदेश नहीं आई थी ना अर्जुन? देखो गंगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं कल खुद राजीव से बात करूंगा। लेकिन गंगा, तुमको भी जरा सबर से काम लेना होगा। मैं चलता हूं। अर्जुन, तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? राजीव, गंगा वैसी लड़की नहीं है। तो कैसी लड़की है गंगा? देखो राजीव, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये जो हिंदुस्तानी लड़कियां होती हैं ना, ये खास तौर से गांव की लड़कियां, ये इतना सारा कल्चरल शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर तुम्हें उसे बदलना ही है तो जरा आहिस्ता आहिस्ता, यू नो, शादी के बाद। देखो अर्जुन, यू आर माई फ्रेंड, ओके? तुम मेरे दोस्त हो, गंगा मेरी बीवी। दोस्त दोस्त की जगह रहे और बीवी बीवी की। और आप हमारे आपसी मामले में दखल ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका दोस्त का रोल यहीं ख़त्म हुआ, आप मुझे अपना रोल करने दीजिए, ओके? मानो ना मानो दोस्त, तुम्हें प्यार हो गया है। बिल्कुल नहीं। हो गया है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं है। क्यों, हो गया ना? मैं उसके घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा और ना ही उससे मिलूंगा, समझ गए आप? चलिए ये भी देखते हैं। क्या वो कभी नहीं आएगा? Nope, never. मुझसे मिलने भी नहीं आएगा? No. अच्छा ठीक है, उसको कह दो, उसको मेरी कोई परवाह नहीं है ना, मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं है। You very well know he really cares for you. What cares, cares, cares? उसको मेरी थोड़ी सी परवाह होती ना तो मेरे फोन कॉल्स के जवाब नहीं देता वो। You know गंगा, today is his birthday. आज अर्जुन का बर्थडे है? And he doesn't want to meet anybody. किसी से नहीं मिलना चाहता वो? No. मुझसे भी नहीं? Not even me. उसको तो मैं दिखाती हूँ। हेलो, जी नहीं, अर्जुन साहब यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। ऑपरेटर, मेरे लिए कोई फोन आए तो कह देना मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आज मैं अकेला रहना चाहता हूँ। थैंक यू। तो क्या करूं मैं उसका बर्थडे है तो? उसने मुझे तो नहीं बुलाया ना पार्टी में? उसने तो किसी को भी नहीं बुलाया, वो अकेला है, उदास है, वो हम सबसे नाराज है। तो क्या करूं मैं गंगा? देखो
अमेरिका में जो अकेला रहना चाहता है उसे हम अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन हम इंडिया में तो अपने दोस्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि ऐसे में तो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर हम अंदर घुस जाते हैं उसको विश करने के लिए। गंगा, ये इंडिया नहीं अमेरिका है। लेकिन अर्जुन तुम्हारा दोस्त है ना, तुम भूल गए उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? मेरे लिए नहीं, डैडी के लिए। डैडी को इंप्रेस करके एक म्यूजिक कंपनी खोलना चाहता है वो। खैर मुझे एक पार्टी में जाना है और मैं की? देखो गंगा, तुम्हें जाना है तो तुम पॉल के साथ जा सकती हो। बाय। और हाँ, घर से कोई पुराना गिफ्ट ले जाना उसके लिए। ओके अब तो तुम समझ गई ना कि राजीव क्या चाहता है। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तू, मचल के सामने आ, मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। ओ ब्लडी डी डी ओ ब्लडा डा डा ओ ब्लड कब से मगर मैं हूँ जब से, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से, मैं शायर हूँ तेरा तू मेरी गजल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, मुझे आजकल है। डोगर डोगर मुझसे के डो तो मुझसे पाचर मुकर डो लातर बेकस को जाने कहाँ से लो आ गई है वो।
अपनी मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। जी जी, 11:30 बज गए, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज अर्जुन का बर्थडे है आंटी। सारी दुनिया हंस रही है कि तुम उन गैराज के वर्कर्स के साथ नाच गाना कर रही हो। लेकिन आंटी, मैं राजीव से पूछकर यहाँ आई हूँ। हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, तुम घर इसी वक्त आ रही हो या नहीं? आंटी, जस्ट से यस और नो। नहीं। अर्जुन से बात करो। हाँ राजीव। हाँ राजीव। हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड, आई एम सो सॉरी नहीं आ सका यार। हमारी गंगा को तो आप वापस भेज दीजिए सरकार। हाँ, गंगा और पॉल सब वापस आ रहे हैं अभी। हेलो, सुनो, कल, हाँ कल शेरिफ के बेटे के ऑनर पे एक पार्टी रखी है मैंने डॉकयार्ड पर, और तुम्हें वहाँ आना है। नहीं राजीव, मैं कल नहीं आ सकूँगा। आ जाना भाई। वो क्या है कि कल की पार्टी में एक उल्लू का पट्टा म्यूजिशियन भाग है, तो उसकी जगह तू अपना गिटार लेकर आना और यार कोने में बैठकर बजाते रहना। टंग टंग टंग, यू आर कमिंग, ओके, यू आर कमिंग। Hey, can I dance with her? Sure, thank why you. Not? Hey, how's life happening, huh? Yo, good music, good music. Can I have it? Can I have it back, please? 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 Can I have it back? Arjun, come on, Arjun, leave him, Arjun. Come on, come on, Arjun. Leave him, come on, cool down, cool down. Hey, relax, relax, relax. क्यों मारा तुमने उसे? वो गंगा की चुन्नी उतार रहा था। तो? इसमें उसकी बेइज्जती है ना? गंगा की इज्जत का ख्याल तुम्हें रखना है मुझे, हाँ? किसकी होने वाली बीवी है वो? मेरी या तुम्हारी? Who's the husband, me or you? Rajiv. It's my job to protect her, not yours, okay? Yes, I know.
तुम छोटे आदमी को बड़ी पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहिए था। ठीक कहती थी नीता आंटी। Now just get lost, all right? मगर राजू You shut up! जाओ 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 Get lost! Leave us alone, okay? तूफान कभी चेतावनी देकर नहीं आता है भाई साहब, सिर्फ आता है और सबको तबाह करके चला जाता है। कहना क्या चाहती हो तुम? आग और मोम का रिश्ता बड़ा टेढ़ा होता है। हमें ये पता रहता है कि वो रोशनी दे रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता रहता है कि आहिस्ता आहिस्ता आग के नीचे मोम पिघलती जाती है। साफ साफ कहो, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन ये, अर्जुन और गंगा की नजदीकी राजीव को बस बस आज कह दिया है, आइंदा ऐसा सोचना भी नहीं। बाकी क्या करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। गुड इवनिंग, आपने मुझे बुलाया डैडी? यस अर्जुन, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें लॉस एंजलिस की गाड़ियों की कंपनी का प्रेसिडेंट चुना है। उसके मेजर शेयर होल्डिंग भी तुम्हारे होंगे। अब तुम्हारा अपना बंगला होगा, अपनी गाड़ी होगी। हाँ, अरे हाँ, तुम्हें मेरी गाड़ी बहुत पसंद है ना? ये लो, आज से ये गाड़ी तुम्हारी है। थैंक यू डैडी, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? खुश भी हूँ, उदास भी हूँ। उदास इसलिए कि कल ही तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना होगा। राजीव की शादी 9 तारीख की पक्की हुई है। 9 तारीख की सुबह तक आ जाना अर्जुन। यानी मुझे कल सुबह ही जाना होगा? हाँ, कल सुबह 5 बजे। कल सुबह? डैडी मैं 2 दिन रुककर नहीं जा सकता। नो, कैरियर का सवाल है, तुम्हारी कल पहली बोर्ड मीटिंग है, जाना तो होगा ही। ओके डैडी। जीते रहो, अब तुम भी एक अच्छी सी लड़की पसंद करके शादी कर लो। चलता हूँ डैडी। God bless you. Hello. अर्जुन को फोन देना, मैं गंगा बोल रही हूँ। अर्जुन चला गया। कहाँ? ये तो मालूम नहीं, इतना जरूर मालूम है कि वो हम सबको छोड़ के चला गया। आज सुबह जब हम सब सो रहे थे तो वो हम सबको छोड़ के चला गया। डब्बू पोटला, दक्षा सोनाली कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। राजीव वो बाहर गए, सब बाहर गए, मैं अकेली हूं। ठीक हूं, खुश हूं, नहीं खुश हूं, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? हां पापा, वो आवाज
वो बहुत आइसक्रीम खा ली थी ना। पापा आप अमेरिका नहीं आ रहे? आ जाओ ना पापा, आवाज नहीं आ रही पापा, आवाज नहीं आ रही पापा, बाय बाय पापा। बेटी नहीं, बेटी नहीं, मत रो बेटी, मत रो। तुम्हारे हाथ में सगाई की अंगूठी थी ना, कहाँ है? अंगूठी कहाँ रखती, कहाँ रखती मैंने? मैं बताता हूँ, कल शाम से स्विमिंग पूल के पास पड़ी थी और अब मेरे हाथ में है। लो पहनो इसे, लो पहनो। हिंदुस्तान से लाया हूं तुम्हें, नर्मदा और सूरज देव की आरजू हो, हमारा भविष्य हो, राजीव की होने वाली जिंदगी हो तुम। मैं जानता हूं कि राजीव एक कठिन डिफिकल्ट लड़का है, लेकिन उसके अमेरिकन तौर तरीकों को जानकर उसे अपने ही रंग में रंग डालो। वादा, यही वादा था ना हमारा तुम्हारा? था ना? डैड, डैड मुझे अपने दोस्तों के साथ रोनाल्ड की शादी पर लास वेगास जाना है। अरे तो फिर जाओ ना, गंगा को भी साथ ले जाओ, इसे भी लास वेगास दिखाओ। ऑफ कोर्स डैड, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स के बच्चे, पहले सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। आई एम सॉरी गंगा, आई एम वेरी सॉरी। देखा गंगा, कितना नरम दिल है मेरा राजीव। अब जाकर अपनी पैकिंग करो और खुशी खुशी लास वेगास जाओ, लास वेगास। भाई साहब, ये लास वेगास क्या है? भाई मस्तियों से भरा शहर है, गाना बजाना, जुआ, शादी, हनीमून, सब किस्म की मस्तियाँ। ये मस्तियाँ सिर्फ बच्चों के लिए है? नहीं, बड़े भी जाते हैं वहाँ, लेकिन बच्चों के साथ नहीं। हम कब जा रहे हैं? हमारा मतलब था कि आप, हम, कृष्णा अम्मा, पद्मा बहन। आप सबको भी मैं भेज रहा हूँ। सच? संतोषी माँ के मंदिर। यानी अर्जुन शहर छोड़कर चला गया? कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा वैसा ही उधर का समा। अर्जुन, we'll be right back.
दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला जो ना करना था कर डाला फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। God save the world, world saves man, man saves the heart, heart saves love. मुझको गिला भी है क्या इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं। आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। राजीव
बिजलियों के इस रोमांटिक शहर के साथ खेल रहा हूँ, तुम्हें लव करना सिखा रहा हूँ। हमें नहीं सीखना है लव करना, अब आप अपने कमरे में जाइए प्लीज। हाँ नहीं, देखो लव करना तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, हर एक पत्नी को सीखना पड़ता है वरना पति देव नाराज हो जाते हैं। देखिए हम आपकी पत्नी नहीं हैं, अभी हमारी शादी को कुछ दिन बाकी हैं। तो क्या हुआ, अभी कर लेते हैं शादी। आई राजीव लाल एक्सेप्ट यू एज माय लीगल एंड वेडेड वाइफ। लो तो गई शादी। एंड नाउ माय ब्राइडल किस। राजीव प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने कमरे में चले जाओ। गंगा गंगा मेरे जितने भी अंग्रेजी दोस्त हैं ना, सब अपनी अपनी सहेलियों के साथ बंद कमरे में जिंदगी का मजा ले रहे हैं। नो प्रिटेंशंस। राजीव तुम समझने की कोशिश करो, वो लोग पश्चिमी हैं और हम हिंदुस्तानी, हमारी संस्कृति में लड़के लड़कियां शादी से पहले ऐसे संबंध नहीं मानते। तो गंगा हमारी भी तो 10-15 दिनों में शादी होने वाली है ना। तो थोड़े दिन रुक जाओ ना प्लीज, सात फेरे तो होने दो, मुझे तुम्हारी पत्नी तो बनने। गंगा सात फेरे सात फेरे सात फेरे इज ऑल बुलशिट, इट्स अटर नॉनसेंस। आई मीन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ओके सो कम है, छोड़ो मुझे, मत छू, हाथ मत लगाओ मुझे। तुम साले हिंदुस्तानियों से ज्यादा झूठा और मक्कार इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। सेक्स का नाम लो तो रोने लगते हो, लड़के लड़कियों को जानवरों की तरह अलग अलग बांध के रखते हो, औरतों की सोसाइटी अलग, मर्दों का समाज अलग, मगर बच्चे पैदा करने में आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यू ऑल आर हिपोक्रेट्स यू ब्लडी इंडियंस। तुम, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले, सभी के सभी अनपढ़ गवार, डबल स्टैंडर्ड स्टूपिड पीपल। और सब सुनोगी, तुम्हारा इंडिया भी शिट के सिवाय कुछ नहीं है, एक गोबर की तरह इसमें से बास आती है बास। निशाचर तुमने हमारी इंडिया को गाली दी, तो सुनो आज हम तुम्हारे साथ ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ते हैं, तुम्हारी दी हुई इस झूठी अंगूठी को हम धिक्कारते हैं। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी नशीली अमेरिका को हम हिंदुस्तान की ज्योति समझते हैं। अब निकल जाओ यहां से, गेट आउट एट वंस, गेट आउट। पूछता हूं गंगा गायब कैसे हो गई? कह तो रहा हूं डैड मुझे नहीं मालूम, सुबह उठा तो वो अपने कमरे में नहीं थी, पता नहीं मुझे कहां गई वो। आई कांट बिलीव इट। जैकिशन पुलिस कमिश्नर को फोन करो, उससे अपॉइंटमेंट लो कि मैं उसे फौरन मिलना चाहता हूं। सैंडी तुम आओ मेरे साथ, डैनी यू ऑल्सो कम विद मी। हम कह देते हैं हमारी बेटी को ढूंढो, नहीं तो हमारा भाई गंडासा लेके यहां पहुंच जाएगा। हेलो अर्जुन, इस ट्रक ड्राइवर का कहना है कि इसने किसी इंडियन लड़की को वाटर फ्रंट रेलवे स्टेशन पर छोड़ा है। Thank you.
क्या हुआ? क्या हुआ? रो मत, रो मत, रो मत, रो मत प्लीज। मेरी बात सुनो। क्या हुआ? अरे बोलो ना गंगा, ये क्या क्या तुमने? अकेली भाग आई तुम? गंगा हुआ क्या? गंगा बोलो ना, हुआ क्या? गंगा बताओ मुझे, रो मत, रो मत, हुआ क्या? बोलो हुआ क्या? किसने किया ये? किसने किया बोलो? अच्छा अच्छा गंगा, 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 चलो चलो भी रो मत, घर चलो। नहीं, हमें घर नहीं जाना। देखो गंगा, नहीं, घर तो वापस। हमने कहा ना, हमें घर नहीं जाना, नहीं करनी हमें शादी, नहीं रहना अमेरिका में, हमें अमेरिका नहीं रहना। अच्छा ठीक है, अमेरिका में नहीं रहेंगे, लेकिन एक बार घर चलते हैं, डैडी से मिलते हैं, उनसे। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी, कसम खाई है मैंने। चुप, बंद करो ये पागलपन और चलो यहाँ से। नहीं अर्जुन, तुम मुझे इंडिया भेजोगे अभी और इसी वक्त। ठीक है, मैं तुम्हें इंडिया ले जाऊंगा, लेकिन देखो ये परदेश है, एक बार, एक बार डैडी से मिल लो, उसके बाद। नहीं ले जा सकते, तुम मत ले जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। गंगा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गंगा मेरी, मैं तुम्हारे बगैर जा सकती हूं। गंगा नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। गंगा हां शी इज गुड, बट कम ऑन बेबी। देख लिया ना, मैंने कहा था ना तुमसे ये परदेश है, चलो यहां से। लवर्स हाँ। ये सच है डैड, दीपक ने अपनी आंखों से उन दोनों को एयरपोर्ट पर दिल्ली की फ्लाइट पर चढ़ते देखा है। ये सच नहीं हो सकता। सच को कबूल करने की हिम्मत रखिए भाई साहब। सच यही है कि अर्जुन गंगा को भगाकर इंडिया ले गया है। नहीं, 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 नहीं। हेलो हेलो, मुझे अमेरिका फोन मिला कर दीजिए, लॉस एंजलिस नंबर है। बिल्कुल फोन नहीं करेंगे आप, कभी भी फोन नहीं करेंगे। मर गए हम उनके लिए और वो भी मर गए हमारे लिए, बस बस। दीदी दीदी उठो ना, मैं डब्बू हूँ। दीदी प्लीज उठो दीदी, दीदी। उसने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम आज रात की फ्लाइट से इंडिया जाएंगे पॉल। इंडिया टू फाइट? यस। नो इट्स नॉट राइट। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट बैड पीपल राजीव, वी आर गुड इंडियंस। बट आई एम बैड पॉल। गंगा को यहाँ आना पड़ेगा, गंगा मेरी है और मेरी ही रहेगी, मेरी रहेगी।
तीन के साथ अब पता चला कि तेरा असली खेल क्या है। क्या खेल है मेरा? गंगा को अपने प्यार में फंसाकर तूने मुझे और किशोरी लाल को धोखा दिया। झूठ बोला है तूने कि राजीव ने ऐसा किया। पापा, आपको मेरी कसम, ये क्या कर रहे हैं आप? जिसने हमारी रक्षा की उसी को जाकल भूई मर चल गई उधर ही। सगाई के जोड़े में भेजा था तुझे। अच्छा होता कि तेरी अर्थी यहाँ आती, काला मुंह करा के। ये क्या कर रहे हैं आप? अब आप गंगा को नहीं मारेंगे बाबूजी? भगवान के लिए चले जाओ अर्जुन, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं पापा नहीं, अर्जुन बेकसूर है पापा। मत जा, मुझे तेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। धोखा किया तूने मेरे साथ, धोखा किया। हमारे विश्वास को तोड़ा तूने, इस परिवार की इज्जत धूल में मिला दी। मर जा तू, मर जा। पापा, पापा नहीं, पापा, पापा, मैं सच में मर जाऊंगी, मैं सच में मर जाऊंगी। पापा से रोक लो, पापा से रोक लो, पापा। पचास रुपए का भाई ये ले जाते हैं, बाबा मन की मुराद पूरी होती है। यहाँ का ये प्रसाद के तौर पे ले जाते हैं। भाई साहब ये मथुरा की बस कब आएगी? भाई साहब मथुरा की बस तो गई। कितनी देर पहले? एक घंटा हुआ भाई। तो फिर कोई दूसरी बस आएगी क्या? शाम को है भाई। कितने बजे? छह साढ़े छह बजे। कहाँ गए हो भौजी? कहीं का नहीं। फिर सुनाली, दक्षा, तुम लोग मुझे समझने की कोशिश करो। देखो अर्जुन और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ये सब झूठ है। तो इस झूठ को सच में बदल दो दीदी। हाँ दीदी, हम सबकी राय यही है कि सच्चा प्यार आपको अर्जुन भैया ही करते हैं, राजीव नहीं। याद है दीदी, एक बार तुमने कहा था, गीत वो गाओ जिससे इस मिट्टी की खुशबू आए। दीदी वो खुशबू सिर्फ अर्जुन में है। तुम्हें तो इस बात का बाद में पता चला, हमें तो शुरू से पता था। अरे क्या पट्टी पढ़ा रहे हो गंगा को? गुपचुप गुपचुप, चलो जाओ यहाँ से चुपचाप। नानी माँ, हम तो ऐसे ही। जाओ यहाँ से, सूरज आ जाएगा तो गला काट देगा सबका। बेटी ये थोड़ा सा खा ले, भूखी हो कब की? नहीं दादी माँ, हम कुछ नहीं खाएंगे। बिटिया, सूरज देव और नर्मदा ने तुम्हें बंद किया है क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं, पर इस बुढ़िया की आंखें इस उम्र में भी खुली है। लक्षा और सोनाली ने तुमसे जो कहा है ना, वो राय मेरी भी है। दादी माँ, बेटी अर्जुन ईश्वर का भेजा हुआ एक वरदान है तुम्हें, और ऐसे वरदान को आसानी से छोड़ते नहीं। जाओ रोक लो उसे। मैं सिर्फ कह ही नहीं रही हूं, कर भी रही हूं। तुम्हें यहां से चुपचाप निकालने के लिए सारा बंदोबस्त किया जा चुका है। वो देख तेरे सिपाही तुझे इस जेल से निकालने के लिए तैयार खड़े हैं। अरे रामू, कहां गया? विभीषण हाथ जोड़कर रावण से बोले, हे राजन। सुनती हो माँ? राम और दंड। सुना है राजीव इंडिया पहुंच गया है। अच्छा, सूरज कहाँ है? ये गए हैं कुलवंती बहन और किशोरी लाल जी को लाने। क्या, किशोरी लाल भी यहाँ आ रहा है? साम राम और दंड भेद क्या जवाब देंगे हम उनको? परंतु साम अर्थात के मेल मिला, अर्धाम अर्थात नाली पदार्थों का दे। हाँ।
था लेकिन हो गया। जमाने को ये दिल नहीं मानता है, नहीं और कोई फकत इश्क है वो जो आशिक की नजरों को पहचानता है, जो आशिक की नजरों को पहचानता है। सारे सदा बदल सारे सदा वहीं पर रुक जाओ गंगा और अपने घर वापस लौट जाओ। चली जाऊंगी, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम करते हो गंगा, ये ठीक नहीं है। हाँ तो फिर ये कहो ना कि ठीक नहीं है। ये क्यों कहते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, समझी? तुम अपने घर वापस लौट जाओ, जाओ। अब वक्त फैसले का नजदीक आ गया है, क्या फैसला करूं मैं? दिल ने तो ये कहा है, दिल ने तो ये कहा है, दिल ने तो ये कहा है। जीने का है शौक तो मरने को हो जा तैयार। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार।
गंगा, लेट्स गेट हर गाइस। गंगा की हिफाजत करना प्यार है तो है, 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 प्यार है। और हमेशा रहेगा सर, लेकिन मैंने गंगा को कभी अपने लिए हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही आज करूंगा सर, क्योंकि क्योंकि गंगा आपकी अमानत है, बाऊजी की है, बाजी की अमानत है। चलता हूं सर, अब वापस नहीं आऊंगा। अर्जुन, आपने अर्जुन का सच तो सुन लिया डैडी, अब हमारा सच भी सुनिए। आप देखना चाहते हैं डैडी कि आपके बेटे ने लास वेगस के होटल रूम में शराब के नशे में दरवाजा बंद कर कर क्या करना चाहा, तो देखिए, ये देखिए, ये देखिए उसके हवस से भरे दांतों के निशान। मैं पूछती हूं, ये कहां की संस्कृति है डैडी, जहां एक होने वाला पति अपनी होने वाली पत्नी से इस तरह का सलूक करता है। फिर भी अगर आप हमें इस आग में कूदने को कहेंगे तो हम कूद जाएंगे बाबूजी, क्योंकि आप हमारे माँ बाप हैं, हमारी तकदीर के विधाता हैं। आप हमें इस जहर को पीने को कहेंगे तो हम पी जाएंगे। क्यों पिएगी तू जहर, हैं? क्यों पिएगी? अरे सदियों से हम औरतें जहर ही तो पीती आ रही हैं। पहले माँ बाप की सुनो, फिर पति की सुनो, फिर बच्चों की सुनो। बिल्कुल नहीं पिएगी तू जहर। माँ तुम बीच में मत बोलो। चुप रह तू, बुत बने खड़े हो तुम। बेटी का तमाशा कर दिया तुम लोगों ने। अम्मा किशोरी लाल, वतन मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया गाना गाते फिरते थे ना तुम। भारत की बेटी को, भारत को अमेरिका में बसाना चाहते थे ना तुम। क्या ये बसाया तुमने, ये? वाह किशोरी लाल वाह। मैं पूछती हूँ किशोरी लाल, ये जिस सागर की गंगा उस सागर में जाए जहां सुर संगम ना ताल मिले, उस परदेश भला क्यों जाए? गंगा परदेश जाएगी माँ जी। अब भी कह रहे हो किशोरी लाल, अब भी? हाँ सूरज, अब भी मैं कह रहा हूं। याद है मैंने कहा था कि एक दिन गंगा को मैं अपनी बहू बनाकर ले जाऊंगा, इस घर से उस घर तक, तुमसे मांग कर, हाथ जोड़कर।
आज गंगा मेरी बहू तो बनेगी ही, लेकिन पत्नी राजीव की नहीं, अर्जुन की बनेगी। हाँ, अर्जुन की पत्नी बनेगी। माँ जी ठीक कहती हैं, जिस सागर की गंगा उस सागर मिल जाए। ये क्या कर रहे हैं डैडी आप? आप योर सन डैड, दफा हो जाओ यहां से एंड गो बैक टू अमेरिका। सर्व्स यू राइट, बहुत अच्छा है। अर्जुन, 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 अर्जुन,